हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, FYBBA 20 डेज मैराथन बैच डे नंबर 3। डे नंबर 1 और 2 में हमने कंप्लीट किया सीरीज नंबर 1, दैट इज आपके लैंग्वेज में बोला जाए तो चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी था हमने पार्ट कंप्लीट किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो है सेकंड सीरीज, और उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड फाइनल अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में आए और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही ना सीखा, अकाउंटिंग ही ना सीखा, तो उसका फायदा क्या? जैसे मैंने आपको डे नंबर 1 पे ही बताया, अकाउंटिंग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन योर सिलेबस। आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स। ठीक है, सो इतना प्रैक्टिकल होने के बाद भी हमने 2 दिन स्पेंड किए छोटे छोटे कंसेप्ट समझने के लिए, क्योंकि वही कंसेप्ट आज से हमें आगे काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एकदम होले होले जाएंगे, आपको मैंने जो भी सिखाया डेफिनेटली समझेगा, बट आज सिर्फ मोबाइल लैपटॉप जिसके भी आप सामने बैठे हो, साथ में आपके पास नोटबुक पेन होना जरूरी है। एंड बीइंग यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आपके कैलसी अलाउड है, तो कैलकुलेटर लेके बैठे कोई इशू नहीं है। आज तो नहीं रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, लेकिन होले होले हम ट्रांजेक्शन ऐसे देखेंगे जहां पे आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो डू योर मैथ्स इज गुड स्टूडेंट्स। एग्जाम के टाइम पे हमें टाइम सेव करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि टाइम ही लिमिटेड, क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं एग्जाम में, तो सब कुछ कवर होने के हिसाब से कैलकुलेटर लेके बैठना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 इज, इसके पहले जो एमसीक्यू वाली एग्जाम हुई थी स्टूडेंट्स, उसमें बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जिसमें कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही थी। वैसे देखा जाए तो अकाउंट्स में ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं जो कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट वाले हो, जिसमें कैलकुलेटर लगे, बट मे बी आई थिंक इट इज फॉल्ट ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी कि उनके पास इतने कैपेबल लोग नहीं है, जो पिछले बार शॉर्ट टर्म, एक्चुअली टाइम भी कम था पिछले बार, तो कम टाइम में क्वेश्चन पेपर ऐसे फ्रेम नहीं कर सके हो जिसमें वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाले। बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर स्टूडेंट्स, कोरोना की वजह से बहुत टाइम हुआ है और आपकी एग्जाम जो ऑनलाइन होने वाली है, तो उनको इतना सफिशियंट टाइम मिल चुका है कि वो एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रॉपरली फ्रेम कर सके। ठीक है, तो हम दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अगर थ्योरी पूछा है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसे पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछा जाएगा। और आपका जो भी एग्जाम रहेगा अकाउंट्स का, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का है, इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एमसीक्यू में भी और थ्योरेटिकल में भी। ओके, तो इसलिए याद रखो बच्चों, वी डोंट वॉन्ट टू मिस एनी लेक्चर। 20 डेज ऑलरेडी लिमिटेड टाइम है, और 20 डेज में से अगर आप कुछ अटेंड नहीं करोगे तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी योर ह्यूज लॉस। ठीक है, और एक भी दिन अगर आप मिस कर गए तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें वो अगले दिन अटेंड करना ही करना है। ठीक है, चलो तो कैसे करना है वगैरह मैंने आपको सब बता दिया है। नाउ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे डे नंबर 3। डे नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल डोज के साथ, तो डोज हो जाए शुरू। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। स्टूडेंट्स, जो भी चीजें ग्रेट है, सुनने में भी ग्रेट लगता है, देखने में भी ग्रेट लगता है, रियलाइज इमेजिन करने में भी ग्रेट लगता है, जहां पे नाम आता है ना ग्रेट, समझ जाओ हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। स्टूडेंट्स, लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए तो अभी क्रिकेट की मैच हुई, क्रिकेट की मैच जब कंप्लीट हुई, इंडिया वॉन द T20 सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, डेफिनेटली बहुत मजा आया, पैसा वसूल मैच था, इंडिया जीतने के बाद तो मजा आता ही आता है, सवाल ही नहीं है। ठीक है, सो ये बहुत ग्रेट काम किया उन्होंने, और अभी अभी जस्ट जो सीरीज हुई उसमें हमें सिखा दिया कि जब डू और डाई ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब करो या मरो, जीतो या फिर, अगर नहीं जीते तो डायरेक्ट हार जाओगे आप, यही सोल्यूशन है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया उठ के खड़ा होता है, और हम भी इंडियन है, हम भी खड़े होंगे हमेशा। कंफर्ट जोन के बाहर जाओ, एफर्ट जोन है, एफर्ट जोन बहुत बड़ा है बच्चों। जब आप सोचो एफर्ट जोन में कैसे है कि सुबह मैं उठ नहीं सकता, ओके, मेरे से ज्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती, टॉप करना तो मेरा कभी हुआ ही नहीं, आज तक मैं एवरेज स्टूडेंट था तो अभी तो टॉप मेरे से हो ही नहीं सकता, ये जो बाउंड्री हमने बना के रखी है ये हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाने देती। तो इससे बाहर निकलो, एफर्ट जोन में जाओ, बहुत बड़ी दुनिया है बच्चों। अगर इस एज में कंफर्ट जोन में रहोगे तो लाइफ टाइम एफर्ट जोन में रहोगे,
और अभी एफर्ट जोन में जाओगे, एफर्ट्स करोगे तो लाइफ टाइम कम्फर्ट जोन रहेगा। ओके तो चलो स्टूडेंट, फिलहाल तो हमारा नेक्स्ट जोन, हमारा जो टॉपिक है उस जोन में हम जाते हैं। लेट्स सी टॉपिक नंबर टू, करते हैं शुरुआत। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस में हम कुछ सीखने वाले हैं। ये जो भी हम सीखेंगे इसके पहले आप खुद को अकाउंटेंट समझना शुरू कर दो, ठीक है। समझ लो कि हाँ, कभी कभी आप भी सोच रहे होगे ना सर, आप कभी बोलते हो बिजनेसमैन बन जाओ, कभी बोलते हो अकाउंटेंट बन जाओ, हम क्या क्या बने। स्टूडेंट्स, जब आप अकाउंटेंट के रोल में पूरी तरीके से घुस जाओगे, खुद को इमेजिन करोगे कि हम किसी बिजनेसमैन के अकाउंटेंट है, तो ये टॉपिक रियलाइज होगा आपको कि एक्चुअल में कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। सो चलो, आपने खुद को अकाउंटेंट समझ लिया, मैंने भी समझ लिया। सो अकाउंटेंट है, मैं ऑफिस में बैठा हूं, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह लेके सब कुछ, अभी तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है, ये तो नॉर्मल चीज है। और वन पर्सन बोले तो ओनर मेरे पास आए और उन्होंने बोला, यार मैंने वो बैंक में ना 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे, उसकी एंट्री कर दे, और उसके बाद मैंने एक कस्टमर को 5 लाख रुपए के गुड सेल किए, वो भी लिख देना उसमें, मतलब अकाउंटिंग कर लेना। और एक सप्लायर, उससे हमने 8 लाख रुपए का माल परचेस किया, कल ही आया माल, ठीक है, कल संडे था, कल आपको नहीं बताया, अभी मैं बता रहा हूँ, एंट्री कर लेना, ठीक है। तो भाई ने मुझे 3 ट्रांजेक्शन बता दिया, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, कस्टमर को गुड सेल किए, या फिर सप्लायर से परचेस किए, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब कुछ ओनर ने मुझे बता तो दिया, नाउ द पॉइंट इज उन्होंने बताया और मैं एंट्री कर लूं, ऐसे कैसे चलेगा यार। एक सेकंड, ऐसे कैसे चलेगा यार, कुछ तो बेस होना चाहिए। आप बोलोगे ट्रांजैक्शन लिख दो, कल बोलोगे कि नहीं नहीं मैंने गलती से बोल दिया था, मैं होश में नहीं था, ऐसा थोड़ी चलेगा। बींग अकाउंटेंट पर्सन इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो लिख रहे हैं उसके लिए कुछ वैलिड प्रूफ हो। हर ट्रांजेक्शन के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ होता है, और स्टूडेंट इसी प्रूफ को बोला जाता है वाउचर, और इसे ही दूसरा नाम सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसे सोर्स डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है? सोर्स मतलब देखो, अभी फॉर एग्जांपल मैं पैसे कमा रहा हूं, इसका सोर्स क्या है? ऑफ कोर्स टीचिंग, जो मैं क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं उसी के बेस पे मैं अर्निंग कर रहा हूं ना, तो क्लास ये मेरे लिए सोर्स हो गया। तो वैसे अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग में हमें अगर कुछ ट्रांजैक्शन लिखना है तो ट्रांजैक्शन लिखने के लिए और डॉक्यूमेंट के लिए मतलब कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दैट इज सोर्स होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट। चलो आप मुझे आंसर दे रहे हो चैट बॉक्स पे, मेरी नजर है आप टाइप कर रहे हो। स्टूडेंट्स, मैंने कस्टमर को गुड्स सेल किया, इसका प्रूफ क्या होगा? फटाफट आपकी रफ्तार, आपकी पहचान, ज्यादा से ज्यादा गलती होगी ना भाई, ऑनलाइन क्या मैं मारने वाला हूं आपको? फटाफट रिप्लाई करो, राइट या रॉन्ग। मैंने कस्टमर को गुड्स सेल्स किया, इसका प्रूफ क्या होगा? रिसिप्ट? नहीं नहीं, रिसिप्ट नहीं होगा। चलो और 30 सेकंड्स दिए। हाँ, पेमेंट रिसिप्ट, अब पेमेंट रिसिप्ट भी नहीं होगा। अरे कस्टमर, जस्ट पहली बात तो है ना, खुद को एक तो शॉपकीपर समझो, नहीं तो कस्टमर समझो। कस्टमर हूं मैं, सपोज कस्टमर हूं मैं, मैंने कुछ शॉप से परचेस किया, तो उसके बाद क्या मांगते हैं हम शॉप वालों से? बोलो बोलो जल्दी, आएगा पक्का आंसर आएगा आपको। मैंने 500 रुपए की शॉपिंग की, क्या चाहिए मुझे? एग्जैक्टली, बिल, हमें चाहिए बिल। तो अगर हम शॉपकीपर के रोल में आ जाए अभी, तो मैंने गुड सेल किए कस्टमर, तो 5 लाख के गुड सेल किए, तो उसके लिए बिल तो बनाया होगा ना, सेल्स बिल। ओके, तो सेल्स बिल ये हो गया प्रूफ, ये हो गया एक सोर्स डॉक्यूमेंट, जिससे हमें पता चलेगा कि सेल्स का ट्रांजेक्शन हुआ है। एग्जैक्टली वैसे ही जो परचेस किया सप्लायर से, माल परचेस किया, तो हमें उससे बिल मिलेगा, उसे हम परचेस बिल बोल सकते हैं, परचेस करने का बिल, ठीक है। उसके बाद बच्चों, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, तीसरा ट्रांजैक्शन ये था ना, एक कस्टमर एक सप्लायर का, और तीसरा क्या था? बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। चलो क्या प्रूफ है इसके लिए?
अकाउंटेंट बोल रहा है मुझे प्रूफ चाहिए, उसके सिवा मैं एंट्री नहीं करूंगा, तो आप ओनर हो तो आप उसको क्या प्रूफ दोगे कि बैंक में मैंने पैसे डिपॉजिट किए हैं? मेरी जुबान ही मेरा प्रूफ है, ऐसा कुछ नहीं चलता यहां पे, बोली बच्चन, ठीक है? प्रूफ क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट बोलो, डॉक्यूमेंट। ओके बॉयज, आपको भी रिप्लाई करने की अथॉरिटी है, आप भी कर सकते हो। हाँ, मैं कुछ डांटूंगा नहीं किसी, लड़कियों ने आंसर देने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो उसका कुछ प्रूफ तो होगा ना यार। कभी बैंक में गए ही नहीं, ऐसा लग रहा है सिर्फ पापा के एटीएम से पैसे निकाले, फटाफट स्वाइप करने का, निकालने का, स्वाइप करने का, निकालने का, फोन पे करो, पेटीएम करो, दैट्स इट। बैंक में कभी गए क्या? नहीं। ठीक है, हा, आ गया आंसर आ गया। तो बैंक की एक स्लिप होती है, स्लिप, ठीक है? सो पे, अगर डिपॉजिट किए ना तो उसके लिए पे इन स्लिप होती है, पे इन, क्योंकि हमने अकाउंट में पैसे पे किए, पे इन स्लिप, ठीक है? तो ऐसे अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग वाउचर या अलग अलग सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। सो बेसिकली इनकी दो कैटेगरी है, एक है इंटरनल वाउचर और दूसरा है एक्सटर्नल वाउचर। बच्चों, इंटरनल वाउचर मतलब ऐसे वाउचर जो ऑर्गेनाइजेशन में ही बनाए जाते हैं, प्रीपेड बाय अस, मतलब हम खुद बनाते हैं हमारे बिजनेस में। जैसे सेल्स बिल की बात करो, कस्टमर को अगर हमने गुड सेल किया तो डेफिनेटली हम ही उसको बिल देंगे ना, लॉजिकली हम उसको बिल देंगे, तो हम खुद बनाएंगे सेल्स का बिल। उसके बाद एक्सटर्नल वाउचर का एग्जांपल देखा जाए तो प्रीपेड बाय आउटसाइडर का मीनिंग क्या है? प्रीपेड बाय आउटसाइडर, अगर मैंने किसी शॉप से परचेस किया, 500 रुपए की शॉपिंग की, तो सामने वाला मुझे बिल देगा, मतलब वो डॉक्यूमेंट बनाने वाला, प्रीपेयर करने वाला कौन है? आउटसाइडर, हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं ना, वो कोई आउटसाइडर है जो हमें बिल दे रहा है, ठीक है? तो एक तो वाउचर हम खुद बनाएंगे या फिर कोई आउटसाइडर बनाएगा, दो टाइप के डॉक्यूमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है? अब इंटरनल वाउचर, इसमें कौन से वाउचर होते हैं ये हम देखेंगे चुन चुन के, लेट्स सी। सबसे पहले एग्जांपल वाउचर का, इंटरनल और एक्सटर्नल और जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर मतलब क्या है? सपोज स्टूडेंट्स, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसका हमें बिल नहीं मिलता, होता है ऐसा? सर डेफिनेटली होता है। मैंने कल गाड़ी का पंचर निकाला, उसको बोला बिल दे, वो हंसने लगा, सर हम इंडिया में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं सर कि हम पंचर वाले से भी बिल मांग सकते हैं, उसके पास कुछ नहीं होता, डॉक्यूमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस वो रास्ते पे बैठा है, मतलब या फिर एक छोटा सा गैराज है उसका, उसके पास बाकी प्रूफ भी कुछ नहीं होगा, बिल बिल नहीं रहेगा, राइट? तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसका कुछ प्रूफ नहीं होता, तो वो एक्सपेंस के लिए हम खुद ही बना लेते हैं वाउचर, इसे बोलते हैं जर्नल वाउचर, ठीक है? ये जर्नल वाउचर का फॉर्मेट, और आपको एक्सपेक्टेड नहीं है फॉर्मेट ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको दिखा दिया, ठीक है? मतलब मैं यहां पे लिख लूंगा कि मैंने किसको पैसे दिए, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम, वाउचर नंबर 10, ट्रांजेक्शन नंबर 2, डेट क्या थी, 23 मार्च 20, नेम ऑफ डेबिट अकाउंट, हमने क्या खर्चा किया, सपोज ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, मतलब मैं ऑटो से कहीं पे गया और सामने वाले ने बिल नहीं दिया, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 50 रुपीज का है, एंड सो ऑन, ठीक है? तो ऐसे डिटेल हम इसमें लिख लेंगे। अब उसके बाद कैश वाउचर भी है। कैश वाउचर क्या है? देखो, द एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसिप्ट इज कॉल्ड कैश वाउचर। अगर हमें किसी से कैश मिला है या फिर हमने किसी को कैश दिया है, तो उसका जो प्रूफ होता है, कैश का एविडेंस, दैट इज कैश वाउचर, ठीक है? तो देखो कैश वाउचर, हाँ, एक वाउचर नंबर, जीएसटीएन नंबर। देखो हम कौन है? नकुलन कंपनी, ये हमारा नाम है। पे टू, हमने किसको पे किए? हमने पेड किए संजय को, संजय को पे किए, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज पे किए, तो ये डिटेल्स इसमें लिखा रहेगा, ठीक है? तो हर कॉलम देखने की जरूरत नहीं हमें, बस इसका कंक्लूजन समझ लो। कैश वाउचर क्या है? कैश एक तो रिसिप्ट है, मतलब मिला है, या फिर कैश अगर पेड किया है तो उसके लिए वाउचर बनाया जाता है, वो है कैश वाउचर। फॉर्मेट तो नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली नाम तो ऑनलाइन एग्जाम में आ सकता है ना। फॉर सेल ट्रांजेक्शन विच वाउचर टू बी प्रिपेयर्ड, विच वाउचर या इनवॉइस इज एप्लीकेबल, तो यहां पे हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन के लिए कौन से वाउचर एप्लीकेबल है।
ठीक है। नेक्स्ट टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय सेलर टू इन्फॉर्म द बायर अबाउट क्वांटिटी सप्लाइड, रेट्स एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट एट विच गुड्स आर सप्लाइड, रेट डिस्काउंट इफ एनी, देन सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड टोटल अमाउंट पेएबल बाय हिम। अरे बाप रे, बहुत कुछ दे दिया, वापिस आपको शांति से बताता हूं। टैक्स इनवॉइस मतलब क्या, सीधी सीधी बात, बिल। सेलर जो बायर को बिल देता है, हम शॉपिंग मतलब मैंने लैपटॉप परचेस किया, लैपटॉप वाले ने मुझे बिल दिया, तो उसमें क्या क्या रहेगा, जिससे मैंने परचेस किया उसका नाम ऊपर हेडिंग में होता है ना, उनका नाम, तो उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, फिर कस्टमर के नाम में मेरा लिखा रहेगा, ठीक है, मैंने परचेस किया ना, तो उसमें लिखा रहेगा लैपटॉप, कौन सा लैपटॉप, फॉर एग्जाम्पल एचपी, एचपी का लैपटॉप, क्वांटिटी 1, प्राइस कितना 40,000, उसमें सीजीएसटी, देन एसजीएसटी, जीएसटी ऐड होने के बाद टोटल कितना अमाउंट पेएबल एंड सो ऑन, ये सब डिटेल उसमें रहेंगे। सपोज डिस्काउंट है तो उसमें से लेस डिस्काउंट करके बिल मिलेगा, तो ये जो डिटेल्स इसमें दिए जाएंगे इसे बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। अब टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट देख सकते हो बच्चों, और रियल में भी ऐसा ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। पर्टिकुलर्स, भाई कौन सा प्रोडक्ट सेल किया, एचएसएन नंबर, ये थोड़ा जीएसटी से रिलेटेड है, आपको नहीं पता होगा छोड़ दो। रेट, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 rupees की एक कोई प्रोडक्ट बाय किया, क्वांटिटी कितना है 4 क्वांटिटी, टोटल अमाउंट हो गया 400, ठीक है, इस पे 5% टैक्स है सपोज, तो 20 rupees सीजीएसटी, 20 rupees एसजीएसटी, जो भी टैक्स, टोटल 440 rupees आपको पे करने हैं, और यही यहाँ पे रुपीज में, वर्ड्स में लिखा जाएगा, साइन कर दिया, खत्म देसा। तो ये क्या बन गया, सेल्स वाला बिल, टैक्स इनवॉइस, ठीक है, टैक्स इनवॉइस मतलब बिल। नेक्स्ट इज क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो मतलब क्या, क्रेडिट मेमो को इनवॉइस या फिर बिल बोला जाता है, व्हेन गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस और सेल्स एंड सॉरी सेलर प्रिपेयर द क्रेडिट मेमो, दैट इज सेल्स इनवॉइस या फिर टैक्स इनवॉइस, एंड सेंड इज टू कस्टमर अलॉन्ग विद द आर्टिकल्स। ओके, सो सपोज हमने किसी शॉप में जाके क्रेडिट पे परचेस किया, मतलब परचेस तो कर लिया, उसको बोला यार बस 4 दिन दो, 4 दिन में आपको पैसे दे दूंगा, मतलब हमने पेमेंट डिले कर दिया, पेमेंट इमीडिएट नहीं किया, तो इसे हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बदले उसे उस वो मुझे बिल देगा, वो बिल ही रहेगा लेकिन उस बिल को बोलते हैं क्रेडिट मेमो, ठीक है। तो क्रेडिट मेमो मुझे मिलेगा और उसमें क्लियरली लिखा रहेगा गुड सेल ऑन क्रेडिट है, मतलब कैश नहीं मिला है। ओके, तो व्हेन गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस सेलर प्रिपेयर द क्रेडिट मेमो, तो सेलर क्रेडिट मेमो बनाएगा और कस्टमर को गुड्स के साथ साथ वो बिल भी देगा, संभाल के रखो भाई फ्यूचर में पैसे देने हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट रिसिप्ट। रिसिप्ट कब काम में आएगी, जब आप मुझे फीस दोगे। ऑब्वियसली अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको थोड़ी ना बिल थोड़ी दूंगा मैं कि मैंने क्या दिया, चैप्टर नंबर 1 उसका ये बिल, चैप्टर नंबर 2 का बिल। अरे नहीं नहीं, आई एम नॉट सेलिंग एनी गुड्स और प्रोडक्ट। नॉर्मली जो लोग बिजनेस करते हैं, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके केस में बिल एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और जो एक तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर उधारी के पैसे मिले, देखो आज मैंने आपको क्रेडिट पे गुड सेल किए तो आपको मैं क्या दूंगा, क्रेडिट मेमो। अभी अभी देखा ना क्रेडिट मेमो, जस्ट एक मिनट पहले क्रेडिट मेमो मैं आपको पे कर दूंगा। तो आपसे मुझे सपोज 15,000 rupees लेने बाकी है, तो आप अभी आप उसके 8 दिन के बाद की बात, सपोज 8 दिन हो गए उस चीज को, क्रेडिट में मैंने आपको गुड सेल किए, 8 दिन हो गए, आज आप आए 15,000 rupees मैंने मुझे देने, तो मैंने आपसे 15,000 rupees लिया, उसके बदले में कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा ना, तो क्या देंगे हम, रिसिप्ट। मैं आपको रिसिप्ट, पावती, पावती पण त्याला मराठीत म्हणतो आपण, पावती फाडून देणार कि यस आम्ही आम्हाला तुमच्याकडनं 5,000-8,000 rupees भेटलेत। सो रिसिप्ट में ये लिखा रहेगा रिसीव्ड, देखो यहाँ पे हेडिंग स्टार्टिंग में रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम, रिसीव्ड आपसे मिले पैसे, धन्यवाद। फॉर एग्जाम्पल अर्चना जी, इनसे पैसे मिले, सो अर्चना जी से पैसे मिले, सम ऑफ रुपीज 1,000 ओनली, 1,000 rupees मिले। कैश में मिला, चेक में मिला, कैसे मिला, कैश में मिला तो ये सब कट हो जाएगा, फिर इसका कोई संबंध नहीं, डेट नहीं, चेक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बिल नंबर, बिल नंबर 112 के हिसाब से 1,000 rupees मिले, ये रहे 1,000, और ये अगर मैंने पैसे रिसीव किए, मेरे पास अथॉरिटी है साइन करने का, मैं यहाँ पे साइन करके आपको दे दूंगा, ये मेरा साइन, ये रिसिप्ट, मतलब कल अगर मैंने अर्चना जी से वापस पैसे डिमांड किए तो शी हैज द प्रूफ, ये देखो सर रिसिप्ट है मेरे पास, मैंने आपको पैसे दिए हुए, राइट, ये प्रूफ रहेगा। चेक, चेक बच्चों अगर बैंक से किसी को पेमेंट करना है तो चेक दिया जाता है, ये तो आपको पता होगा, नॉर्मल चीज है,
है, बैंक का चेक कैसा होता है जिसको पे करने का उसका नाम, मुझे पे करना है फॉर एग्जांपल बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी वालों को पे करने मुझे 2 लाख रुपीज ओनली, ठीक है। और डेट वगैरह लिख दूंगा यहां पे, डेट चेक की जो भी डेट रहेगी, अकाउंट नंबर प्रिंटेड होता है ये आज के डेट में, ये प्रिंटेड होता है डायरेक्टली, क्योंकि चेक ही ऐसे आते हैं, चेक बुक को अप्लाई करने के बाद उसमें सब प्रिंटेड होता है, अपना नाम वगैरह, ठीक है, बैंक का एड्रेस वगैरह दिया है, ब्रांच दिया है, बस हमें साइन करना है और अमाउंट यहाँ पे लिखना है वापिस 2 लाख रुपीज, सामने वाले का नाम, अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट इन फिगर, दैट्स इट, ठीक है। ये चेक से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चेक के कुछ टाइप होते हैं, चेक के टाइप्स इतना कुछ देखना हमें जरूरी नहीं है हमारे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। सो ओवरऑल ये हमने देख लिया डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, वाउचर मतलब प्रूफ, प्रूफ किस चीज का प्रूफ, कि कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर वो परचेस का हो, सेल का हो, किसी को मैंने चेक दिया हो, कोई वाउचर बनाया हो, तो इस सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स होते हैं। आप आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, बीबीए के टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वहां पे तो 3-4 ही दिए, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया उल्टा, ठीक है। सो चलो ये तो समझ गया, एज अ अकाउंटेंट, एज अ अकाउंटेंट मतलब हम अकाउंटेंट है ना, हमें ये तो समझ गया, जब हमें कोई प्रूफ देगा बिजनेस वाला कोई डॉक्यूमेंट, उसके बाद ही हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। अरे हाँ, एंट्री, एंट्री मतलब क्या, मैंने आपको बताया था बच्चों, जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो जर्नल में लिखना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंट्री करना, ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज, जो हम आज सीखने वाले हैं जल्दी ही, ठीक है। अब फाइनली 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 द मोस्ट अवेटेड पार्ट, सबको इंतजार था प्रैक्टिकल पार्ट का, कि सर कब प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे, कब हमें सॉल्व करने को मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स आप नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो, ये एक्सपेक्ट करता हूं मैं आपसे, इतना छोटा सा एक्सपेक्टेशन है, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट, ठीक है। चलो अब अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग करने की जो सिस्टम है उसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, मतलब वैसे तो सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है, लेकिन ये ऐसा सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, टू इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम किसने ढूंढ निकाला, याद रखना नाम, एग्जाम के लिए है जरूरी, ना समझो मजबूरी, लुका पैचोली, लुका पैचोली पर्सन का नाम है, और इन्होंने ईयर 1494 में ढूंढ निकाला डबल एंट्री सिस्टम। 1494 की बात है, आई थिंक इटालिया, इटालियन पर्सन है लुका पैचोली, जिन्होंने 1494 में ही डबल एंट्री सिस्टम ढूंढ निकाला। ओके एक सेकंड, इटली के कहाँ के हैं, ये देखो लुका भाई का फोटो, लुका डी बार्गो पैचोली उनका पूरा नाम, 10 नवंबर 1494 सॉरी, उस साल उस दिन उन्होंने ये डे मनाया, दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे, ये भी याद रख सकते हो, याद रखना जरूरी है, 10 नवंबर इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे, ठीक है, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम ढूंढ निकाला। तो देर आर टू एस्पेक्ट या फिर टू इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, और ये कहा के है, हाँ ये देखो इटालियन मर्चेंट, अरे अपना गेस बराबर है यार, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद अब इन्होंने क्या सिखाया वो हम देखते हैं, इन्होंने सिखा तो दिया और मैंने भी आपको सिखा दिया कि इन्होंने सिखाया, क्योंकि एमसीक्यू के लिए जरूरी है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट नोट डाउन किया करो मेरे, देखो क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 डेज है, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास बहुत सेपरेट टाइम रहेगा कि मैं सिर्फ सिखाऊंगा फिर सिर्फ लिख लेना, आधा घंटा इसके लिए 20 मिनट उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो टाइम टू टाइम मेरे साथ लिखते रहो, जब मैं बोलूंगा पॉज कर दो तो पॉज कर देना, मैं आपको सफिशियंट टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। नाउ द पॉइंट इज, सबसे पहले इन्होंने एक इन्वेंशन किया, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सिर्फ बात आपकी और मेरे बीच में होनी चाहिए, लुका पैचोली मेरे अच्छे दोस्त थे, सर क्या मजाक कर रहे हो, अरे भाई 1494 की बात है, उसके बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ इंडिया में, ठीक
ठीक है, ऑफकोर्स अकाउंट स्प्रेड करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे थोड़ी बन गया यार। तो 1494 की बात है, लुका पैचोली और मैं, हम अच्छे दोस्त थे, ठीक है। सो लुका ने मुझे बोला कि ऐसा है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। मैंने बोला ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसका मतलब तो बता भाई, दो इफेक्ट मतलब क्या। ही सेड मैं तुझे प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं, समझाना मुझे। तो हुआ ऐसा, जब मैं शॉप में बैठा था, 1494 की बात, मेरा कपड़े का दुकान था और लुका पैचोली मेरा दोस्त था, इटली की बात है, ठीक है, अब तो हम इंडियन है। सो स्टूडेंट्स, अगेन आपको एक बार रिमाइंडर दे दूं, जैसे ही ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक, लिंक पर क्लिक करके वापस ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। सो 1494 में जो उन्होंने ढूंढ निकाला कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो कपड़े के दुकान में मैं बैठा था, एक कस्टमर आया और उन्होंने बोला कि मुझे दो शर्ट चाहिए, तीन पैंट चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो उन्होंने कपड़े की शॉपिंग कर ली, मैंने उनको कपड़े दिए और उन्होंने मुझे पैसे दिए, दैट्स इट। तो ये हो गया। फिर अचानक लुका बोला देख दो इफेक्ट हुए। मैंने बोला दो इफेक्ट क्या हुए? ही सेड देख तेरे से कपड़े जा रहे हैं और तुझे पैसा मिल रहा है। मैंने बोला सही बात। तो बोले इसी को बोलते हैं दो एस्पेक्ट, दो इफेक्ट ट्रांजैक्शन के होते हैं दो इफेक्ट, ठीक है। ये लिखना मत, मतलब दो पांच मिनट रुक जाओ, कैसे लिखना है आपको समझेगा, ठीक है, फिलहाल होल्ड पे रहो, लिखो मत। सो ही सेड समथिंग कम्स इन, समथिंग गोज आउट। तो ये डिनोट करने के लिए दो टर्म्स भी दे दिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और हमेशा आपको ऐसे DRCR लिखना है, डोंट वरी, ऐसा अकाउंट्स में अलाउड होता है, आप ऐसा मत सोचना कि ये शॉर्टकट लिखा है हमने, पूरा लिखते हैं, ओके। DR मतलब डॉक्टर, आज तक था, आज के आगे अगर आपको कहीं पे DR दिखे तो DR का मीनिंग क्या होता है? डेबिट, ओके। मतलब अगर ऐसे लिखा रहा DR राहुल बजाज तो क्या बोलेगा? डेबिट राहुल बजाज, ठीक है। और CR बोले तो कंडक्टर नहीं रे, क्या आदमी यार, ड्राइवर कंडक्टर नहीं, डेबिट क्रेडिट इसका मीनिंग है, ओके। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लुका भाई ने फर्स्ट इन्वेंशन किया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हर ट्रांजैक्शन में ऐसा ही होता है, कुछ तो आता है कुछ तो जाता है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है अच्छी बात। हुआ ऐसा, उसके बाद नेक्स्ट डे एक ट्रांजैक्शन हुआ, मेरे एक रिलेटिव्स थे वो मेरे शॉप में आए, उन्होंने भी शॉपिंग किया। पर शॉपिंग करने के बाद जब मैंने पैसे डिमांड किया तो ही सेड कि यार अभी थोड़ी तंगी चल रही है, पेमेंट वगैरह नहीं हुआ है अब तक, पेमेंट जैसे होगा ना 1 तारीख को मैं पेमेंट दे दूंगा आपको, आपको कपड़े के पैसे, शॉपिंग के पैसे सब ला के दूंगा, ठीक है। उसके बाद लुका आया, लुका को मैंने बोला बता अब तू बता कौन से दो इफेक्ट हुए, समथिंग कम्स इन समथिंग गोज आउट, कपड़े तो गए ये तो क्लियर है, लेकिन मेरे पास कुछ आया नहीं आया। अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास से कुछ जा रहा है, हमसे कुछ जा रहा है लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता, ऐसा भी कभी कभी होता है, जैसे इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हुआ। तो अब उसने बोला कि अब क्या करें यार, ये बात तो सही है, दो इफेक्ट नहीं हुए, सिर्फ कपड़े गए, मिला तो कुछ नहीं। तो ऐसे केस में इंपॉर्टेंट है मुझे उस पर्सन को याद रखना, ठीक है। तो ये समथिंग कम्स इन समथिंग गोज आउट कब होता है? जब कोई चीज रियल वाली होती है, रियल वाली मतलब जो चीज दिखती है हमें, ओके, जो चीज रियल में एग्जिस्ट करती है, ये रियल अकाउंट बन गया, ठीक है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल बन गया डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में बेसिकली क्या क्या आता है? एसेट्स, प्रॉपर्टीज, मतलब मेरे पास जो भी है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, कैश है, ये सब एसेट्स है मेरी, ठीक है। तो ये सब रियल अकाउंट में आता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो एक ही इफेक्ट होता है, सिर्फ गुड्स जाते हैं, मतलब मेरे से कपड़े जाते हैं, मुझे उसके बदले में तो कुछ मिलता ही नहीं। तो उसका जवाब लुका भाई ने ढूंढ निकाला। ही सेड ऐसे ट्रांजैक्शन में पर्सन इन्वॉल्व होता है, कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है ना, और हम पर्सन का नाम लिख के रखेंगे कि वो कौन पर्सन था जिससे हमें पैसे लेने हैं, राइट। तो तो जरूरी हो जाता है उस पर्सन का नाम लिख के रखना। तो ऐसे सिचुएशन में एक नया अकाउंट बन गया जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट। एक नया अकाउंट बन गया जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब अगर कोई भी पर्सन है तो पर्सन के लिए, फिर वो पर्सन कैसा हो सकता है? आइदर
वो नेचुरल पर्सन हो सकता है। नेचुरल पर्सन मतलब अरे हम सब ह्यूमन बींग्स, रमेश, राहुल, विराट, रोहित, ये सब नेचुरल पर्सन ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। मैंने बोला आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कौन रे भाई, रोबोट? अरे वो बोला नहीं नहीं रोबोट नहीं, इसमें आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसा कोई भी एक पर्सन जो एक इंडिविजुअल नहीं है। एग्जाम्पल इज के कॉमर्स अकेडमी, स्टूडेंट्स के कॉमर्स अकेडमी एक नाम है, सही? किसका नाम है सर? आपका ही तो है। अरे मेरा तो नाम के है भाई, सिर्फ कुणाल कटारिया, के सीए नहीं है। के कॉमर्स अकेडमी एक किसका नाम है? क्लास का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। के कॉलेज किसका नाम है? वो एक कॉलेज का नाम है। पुणे यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस नाम की एक बैंक है। इंदिरा हॉस्पिटल ये नाम का एक हॉस्पिटल है। कहने का मतलब ये किसी पर्सन का, कोई इंडिविजुअल पर्सन का, ऐसा वाला पर्सन का नाम नहीं है, ये किसी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है। तो इसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। ये भी पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट में ही तीसरा एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब अगर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ नाम रखा, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एग्जांपल आपको देता हूं मैं, डेटर। स्टूडेंट्स किसी को कोई आंसर दे सकता है व्हाट इज मीन बाय डेटर? बोलो आप, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। भूल गए स्टूडेंट, डे नंबर थ्री में अगर डे नंबर टू की बात भूल जाओ तो कैसे चलेगा? देतर आठवत का? देतर अपन लिहिलं होतं, बघितलं होतं। डेटर, डेटर मीन्स द पर्सन हु हॅव टू गिव मनी टू द बिझनेस। हा राईट, परफेक्ट, नाईस आन्सर। स्टूडेंट्स द पर्सन फ्रॉम हुम वी हॅव टू रिसीव द मनी, मुझे जिससे पैसा लेना है उसे हम डेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे फॉर एग्जांपल मेरे 50 कस्टमर है जिनसे मुझे पैसा लेना है, तो उन 50 कस्टमर को कलेक्टिवली बोला जाता है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री मतलब टोटल और डेटर मतलब कस्टमर। तो सन्ड्री डेटर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? वो 50 लोगों को, इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बिजनेस में कैपिटल लाया, कैपिटल किसने लाया? ओनर। लेकिन ओनर का नाम कभी नहीं लिखा जाता बिजनेस में, कैपिटल नाम लिखा जाता है। सो कैपिटल नाम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सो जैसे एक अकाउंट दूसरे को, अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये तीन टाइप के चीजें पर्सनल अकाउंट में आती है। तो पर्सनल अकाउंट का भी एक रूल बना दिया लुका भाई ने। रूल ऐसा बना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। उसके बाद चलो, ये सबके उपरांत, ये सबके बाद और एक चीज हो गई बच्चों। हुआ ऐसा कि मैं और लुका, जैसे मैंने आपको बोला कि हम अच्छे दोस्त थे, हम गए मूवी देखने, मूवी तब अच्छा मूवी आया था, सो वी वेंट टू मूवी। और मूवी देखने के लिए हमने टिकट लिए 10 रुपीज के, और 200 रुपए, अरे 1494 की बात है मेरे भाई। वैसे देखा जाए तो इटली में रुपीज भी नहीं चलते, लेकिन आपको नहीं समझेगा ना, इसलिए रुपीज में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमने 10 रुपीज दिए तब और मूवी देखने गए। मूवी देखकर बाहर आए तो मैंने उसको पूछा, बोल रहे इसमें क्या दो इफेक्ट हुए? तो ही सेड, देख तेरे से पैसे गए। मैंने बोला वो तो मेरे को समझ रहा है, मैंने तेरे को पार्टी दी मूवी की, तो मुझे पता है कि 10 × 2 बोले तो 20 रुपए मेरे जेब से गए, लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ मिला नहीं, मिला मजा आया। अरे ओके मजा आया, लेकिन वो चीज दिखाने वाली नहीं है ना, आप किसी को दिखा नहीं सकते। अरे मैं मूवी देखे आया, देख मजा आया, ये टिकट, टिकट मिला। अरे टिकट तो कागज का टुकड़ा है यार, टिकट में कोई वैल्यू है? जब मैं एंट्री करने लगा ना थिएटर में, तो वो वॉचमैन ने वो टिकट लिया और फाड़ दिया, वहां पे रख दिया फाड़ के। ऐसा भी होता है ना सिस्टम। तो कहने का मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पैसे दिए उसके बदले में टिकट मिला। टिकट तो नहीं, एंटरटेनमेंट मिला। एंटरटेनमेंट मतलब एक्चुअली सर्विस मिली। तो अगर ऐसा होता है कि हमसे पैसे जाते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा उसके बदले में, कोई देखने वाली टैंजिबल चीज नहीं मिल रही है, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंस। और अगर
हमें पैसा मिला, जैसे आपसे मुझे फीस मिल रही है, मेरे से क्या जा रहा है? नॉलेज जा रहा है। नॉलेज मतलब मैं क्या भूल जाऊंगा क्या आपको सिखा के? ऑब्वियसली नहीं, उल्टा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है जब बैचेस बढ़ती है तो, राइट? तो मुझे पैसा मिला, मेरे से कुछ गया नहीं, कोई टैंजिबल चीज नहीं जा रही है, तो इससे बोलते हैं इनकम। तो इसके लिए एक नॉमिनल अकाउंट आ गया, नॉमिनल सिर्फ नाम के लिए, नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम के लिए अकाउंट होते हैं, दिखते नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ज्वाइन फास्ट विद इन वन मिनट। ओके, तो सांस लेने के ब्रेक के बाद हम मिलते हैं नॉमिनल अकाउंट से। बच्चों मैं आपको बोल रहा था, अगर जैसे मूवी देखने के लिए मैंने पैसे दिए, मुझे कुछ मिला नहीं उसके बदले में, मतलब एंजॉय हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, लेकिन कोई टेंजिबल थिंग, टेंजिबल कोई चीज नहीं मिली, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंस। ठीक है, फीस मिला स्टूडेंट्स, तो आपने फीस क्यों दिया? नोट्स के लिए। अरे नोट्स की वैल्यू कितनी है? जेरोक्स निकालो, 100 रुपए, 200 रुपए, दैट्स इट। लेकिन आपने सपोज मुझे 5,000, 10,000 फीस पे किया, किस लिए पे किया? किस लिए? जस्ट फॉर माय सर्विस, जस्ट फॉर माय टाइम, जस्ट फॉर माय नॉलेज, राइट? तो आपको सर्विस मिल रही है, उसके लिए आप पैसे दे रहे हो, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो एक्सपेंस है, और मेरे लिए इनकम है क्योंकि फीस मुझे मिला है। ठीक है, तो जो चीजें देखो, फीस, बच्चों आप फीस देख सकते हो? एनीबडी, किसी ने फीस देखा है आज तक? मैंने तो नहीं देखा। सर आप इतनी फीस कमाते हो ना सर? अरे जो मेरे हाथ में आता है वो तो कैश होता है, नहीं तो चेक होता है, फीस थोड़ी होती है। जस्ट एग्जांपल, आपके पापा जॉब करते हैं, ठीक है, किसी किसी के केस में एप्लीकेबल भी हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो एग्जांपल अज्यूम कर लो, आपके पापा जॉब करते हैं, एक तारीख को खुशे जमाना पहली तारीख है, आपके पापा को सैलरी मिली, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ने जो भी सैलरी थी आपके एम्प्लॉय मतलब पापा की, सपोज 25,000 रुपए मिले, ओके, हैप्पीली वो घर पे आए, सबको बोला ये देखो मुझे सैलरी मिली, सैलरी मिली, सैलरी मिली। मैं भागते भागते देखने गया, बोला सैलरी किधर है? बोले ये देखना मेरे हाथ में। मैं बोला ये तो कैश है। मैंने बोला ये तो कैश है ना पापा, सैलरी किधर है? अरे बोला यही सैलरी है। मैं बोला पापा नहीं, ये सैलरी नहीं, ये कैश है। ही सेड नहीं नहीं नहीं, ये सैलरी है। मैंने बोला चलो हम क्या करते हैं, 10 लोगों को पूछने के लिए जाते हैं क्या है, तो हम बाहर पूछने गए 10 लोगों से, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सबने आंसर दिया ये तो कैश है। तो पापा भी सोचने लग गए, ये सैलरी थी अब तक, अभी कैश कैसे हो गई? द थिंग इज, सैलरी के नाम से मिला, सैलरी इज जस्ट अ नेम, जस्ट फॉर नेम सेक। सैलरी नाम की कोई चीज नहीं होती, सैलरी आप देख नहीं सकते, सैलरी ये सिर्फ नाम के लिए है। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए वो सैलरी खर्चा है जो उसको दिखता नहीं है, उसको कैश दिखती है, कैश इज टेंजिबल थिंग। और जो आपके पापा जो एम्प्लॉय है उनके पॉइंट से अगर सोचा जाए, उनको सैलरी मिला, उनके लिए इनकम है, लेकिन सैलरी कोई दिखने वाली चीज नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है। तो सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, ये सब चीजें सिर्फ नाम के लिए होती है, रियल में नहीं होती। ठीक है, तो जो चीजें सिर्फ नाम के लिए है, रियल में हम देख नहीं सकते, ये सिर्फ नॉमिनल अकाउंट में आती है। तो नॉमिनल अकाउंट में बेसिकली आता है एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम। तो अब नॉमिनल अकाउंट के लिए कैटेगरी, मतलब इसका एक रूल बन गया, रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है,
ओवरऑल अगर देखा जाए जो लुका पैचोली ने ढूंढ निकाला, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ना सिर्फ एफ वाई बीबीए के लिए, अगर आप साइंस वाले हो तो आपके लिए फर्स्ट टाइम आप सीखे होगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आप अकाउंट्स में जितना भी करियर करोगे, आप बीबीए करोगे, बीबीए के बाद एमबीए करो, मे बी अगर आपको प्रोफेशनल डिग्री सीए सीएस ऐसा कुछ आप करना चाहो वो करो, आप जो भी डिग्री करोगे लाइफ में जहां पे भी सीखोगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको आएगा ही आएगा, नहीं मतलब सिखाया नहीं जाएगा, काम में आएगा, इसके सिवा अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में बेसिकली कैटेगरी दो है, एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा कैटेगरी है इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, और इम्पर्सनल अकाउंट जो है इसमें दो सब टाइप है, जैसे कि अभी अभी आपने देखा इम्पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट सब टाइप इज रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल सॉरी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ये जो नीचे दिए ना ये है गोल्डन रूल्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको गोल्डन रूल नाम भी लिख देता हूँ, यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है इसे। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अगर पूछा जाए तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कौन से, पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक है, इम्पर्सनल के अगर सब टाइप देखे जाए तो वो है दो, दो सब टाइप्स है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, एसेट्स और प्रॉपर्टी, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं एक्सपेंसेस और इनकम, और अगर देखा जाए पर्सनल अकाउंट तो उसमें नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आते हैं। ठीक है, और रूल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, इसे बोलते हैं गोल्डन रूल्स, क्योंकि गोल्ड जैसे इंपॉर्टेंट ही भैया गोल्डन रूल्स। रात को 2 बजे उठा के आपको पूछा जाए तो भी बताते आना चाहिए, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर ये भूल गए तो अकाउंट्स भूल गए, कुछ भी काम का नहीं भैया अकाउंट्स, इसके सिवा अकाउंट्स में कुछ नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स की जाने है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए हो रहा हूं गायब, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट और मस्त अच्छे प्रेजेंटेशन में ऐसे ही लिख लेना। यस, आई होप स्क्रीनशॉट डन। सर आप तो बोल रहे थे पेन पेंसिल का कभी ना कभी तो काम पड़ेगा, सर आज का भी लेक्चर खत्म होने में आया लेकिन अब तक तो नोटबुक का काम नहीं आया, अब आएगा ना बच्चों, हमने बोला है तो आएगा जरूर। स्टूडेंट्स अब हो जाओ रेडी, अब सिर्फ इतना पार्ट हमने जो आज स्टडी किया ना उसी के बारे में आपको क्वेश्चन में पूछूंगा, जो 101% आपको एमसीक्यू के लिए आने वाला है, 101% लिख लो, लिख लो, एग्जाम में नहीं आया तो मेरे पास लेके आना पेपर, पॉसिबल ही नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा। आपको दिए जाएंगे अकाउंट्स, अकाउंट का नाम दिया जाएगा एंड यू हैव टू कैटेगराइज, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन से टाइप का अकाउंट है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करोगे मुझे, और जिसको डायरेक्टली आंसर स्पीक करना है तो आप अनम्यूट करके भी आंसर बता सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, अभी एक एक नाम लिखूंगा मैं अकाउंट्स के, तो इफ योर आंसर इज रियल अकाउंट तो यू हैव टू टाइप आर, आंसर अगर एन नॉमिनल अकाउंट है तो एन, और पर्सनल अकाउंट के लिए पी, आपको जस्ट फर्स्ट लेटर टाइप करके मुझे आंसर देना है एंड एवरीवन शुड गिव आंसर। ठीक है, कोई भी अगर इनएक्टिव रहा तो मैं मीटिंग से डायरेक्ट रिमूव कर दूंगा। ठीक है, बस मैं नाम बताऊंगा, अगर वो एसेट है कोई प्रॉपर्टी है तो रियल अकाउंट, खर्चे या इनकम का नाम है तो नॉमिनल, या किसी पर्सन का नाम है तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन लिख लो, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स, फर्स्ट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, यस यस इमीडिएट आंसर देना है, इमीडिएट, ओके चलो एवरीवन इज राइट,
पे देखना मतलब बच्चों, अगर आपके पास कुछ सोर्स होगा भी, टेक्स्ट बुक वगैरह होगा भी, तो बंद कर दो, नुकसान आपका है। मुझे मुझे तो आंसर मिल जाएगा और मुझे लगेगा यार बहुत होशियार टैलेंटेड पर्सन है, नुकसान आपका है, आपको लॉन्ग टर्म में समझेगा नहीं, ठीक है। यस, तो आंसर इज रियल अकाउंट, क्योंकि हमारी एसेट होती है ना, कैश है अपने पास। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अकाउंट। गुड गुड, सही जा रहे हो बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट, अगर हम सोचे कि हमने लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक्सपेंस है। सपोज हम सोचे कि हमने किसी को लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम है, एक्सपेंस हो या इनकम मेरे भाई, आंसर तो नॉमिनली आएगा। इंटरेस्ट इज नॉट विजिबल थिंग, हम देख नहीं सकते, सिर्फ नाम के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, ओके ओके, गुड वन। सर मशीनरी हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है, क्योंकि हम एक दो दिन नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए मशीनरी यूज करेंगे और उस मशीनरी का यूज करके प्रोडक्शन करेंगे। गुड आंसर इज राइट, रियल अकाउंट है। नेक्स्ट, यार आप तो गलती कर ही नहीं रहे, वेरी नाइस। पुणे यूनिवर्सिटी अकाउंट। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एवरीवन इज परफेक्ट, आर्टिफिशियल पर्सन। यस, इतना डिटेल में नहीं बोला तो भी चलेगा, बट पर्सनल अकाउंट तो भी आना चाहिए, और अगर रिप्रेजेंटेटिव आ रहे तो अच्छी बात। देखो एग्जाम में सपोज ये क्वेश्चन आया, पुणे यूनिवर्सिटी अकाउंट, और चार ऑप्शन दिए हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, रिप्रेजेंटेटिव। अगर इतना क्लियर दिया तो नहीं रे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, आर्टिफिशियल पर्सन है। मैं फॉर्म में आपको सही समझ गया, आर्टिफिशियल पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में नॉर्मली क्या आता है, अगर किसी से पैसा लेना है, किसी को देना है कलेक्टिवली, या फिर कोई एक्सपेंस पेड करना बाकी है, फॉर एग्जांपल सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल अकाउंट ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, क्योंकि सैलरी पेएबल मतलब वो 50 एम्प्लॉई है मेरे जिनको सैलरी देना है, उनको रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन इज परफेक्ट आंसर, तो आंसर इज पर्सनल अकाउंट। मैं यहाँ पे सिर्फ पर्सनल लिख रहा हूँ, क्योंकि कैटेगरी हमें सिर्फ इतना ही बताना है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ओके। स्पेसिफिक पूछा, अगर दिया है आर्टिफिशियल पर्सन तो वो सिलेक्ट करना एग्जाम में। नेक्स्ट, कॉपीराइट अकाउंट। कॉपीराइट अकाउंट, देखते हैं अब क्या होता है। जबरदस्त, बच्चे पढ़ के आए हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब कॉपी करने का राइट। बच्चों कोई भी टेक्स्ट बुक है ना, तो उसको कॉपी करने का राइट होता है, जिसने वो बुक लिखा है उसके पास ही वो राइट रिजर्व होता है, ठीक है। यस यस, ये देखो ये सी दिख रहा है आपको, राउंड में सी किया है, इट मींस ये कॉपीराइट है। देखो ये बुक जो है मेरे पास, इसका राइट किसके पास है, महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक। तो ये महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन जो भी है, इनके पास ये राइट है, ये बुक उन्होंने बनाया है, इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, ओके। नो पार्ट ऑफ दिस बुक इज शुड बी रिप्रोड्यूस विदाउट रिटन परमिशन ऑफ डायरेक्टर। तो कोई भी इसकी कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी इस पे खुद का नाम नहीं लिख सकता। सपोज मैंने सोचा कि इस बुक का पहला पेज फाड़ के केसी लगा देंगे, अलाउड ही नहीं है, डायरेक्ट केस हो जाएंगे मेरे पे, ओके। तो कॉपीराइट ये बिजनेस की एसेट होती है, और ये इनटेंजिबल एसेट होती है, मतलब ना दिखने वाली। स्टूडेंट्स दो टाइप के एसेट होते हैं, टेंजिबल मतलब जो दिखती है, मशीनरी, बिल्डिंग, कार वगैरह, और इनटेंजिबल मतलब एसेट है बट विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच, ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस अकाउंट।
वेजेस का मीनिंग क्या होता है. वेरी नाइस. अगर नेक्स्ट टाइम आपको डाउट पूछना है तो ऐसे ही पूछा करो. यस yes, वेजेस क्या बोले आप विशाखा जी? परफेक्ट. नॉमिनल अकाउंट. वेजेस मतलब क्या होता है बच्चों? लेबर को जो सैलरी दी जाती है, लेबर को जो पेमेंट दिया जाता है उसे बोलते हैं वेजेस. ठीक है. तो यस ये हमारे लिए एक्सपेंस है और इवन लेबर के लिए इनकम है. तो आंसर इज नॉमिनल अकाउंट. तो ऐसे एन नंबर ऑफ अकाउंट्स स्टूडेंट्स. चलो डिविडेंड अकाउंट. डिविडेंड अकाउंट गुड वेरी नाइस. आंसर इज नॉमिनल अकाउंट. डिविडेंड होता क्या है? अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह लिए हैं, किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्ट करने के बदले कुछ रिटर्न मिलता है हमें, मतलब जो प्रॉफिट हुआ ना कंपनी का उस प्रॉफिट का पार्ट हमें कुछ मिलता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो, उसे बोलते हैं डिविडेंड. तो यस इट इज इनकम. तो इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा. नेक्स्ट. अरे ये एसेट अकाउंट किसने लिखा रहे किसने लिखा है क्या पता, मेरा तो ध्यान ही नहीं. ये रियल अकाउंट चाहिए था, मैं गलती से कॉपीराइट एसेट होता है तो फॉर्म में एसेट अकाउंट लिख दिया मैंने. होता है बच्चों, गलती हो जाती है कभी कभी, संभाल लिया करो. नेक्स्ट मोटर कार अकाउंट. यस मोटर कार हमारी एसेट है जो हम बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं. आंसर इज यस. परफेक्ट. रियल अकाउंट. नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट. ओके ओके. कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. सर कैसे? अरे मैंने आपको पहले बोला बिजनेस अलग है और ओनर अलग है. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ओनर ने पैसा दिया, किसी पर्सन ने पैसा दिया, ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट होता है हमेशा, याद रखना कैपिटल इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज पर्सनल अकाउंट. और बस लास्ट वाले दो देखेंगे आज. और कौन से लिए जाए और क्या लिया जाए? देना बैंक अकाउंट. देना बैंक. देना कौन सा अकाउंट है ना? ओके आ गया. यस बैंक. ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो यस आंसर इज पर्सनल अकाउंट. लास्ट फीस. फीस अकाउंट. फिर वो क्लास फीस, ट्यूशन, ट्यूशन फीस, ऑडिट फीस, कोई भी फीस. यस यू आर राइट. नॉमिनल अकाउंट. फीस आपके लिए एक्सपेंस, हमारे लिए इनकम. तो एट द एंड ये नॉमिनल अकाउंट आएगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये हमने लिखे और एक्सपेक्टेड है कि आपने मेरे साथ ही लिख लिया होगा. तो आज इतना ही सीखे हम. आज बेस हो गया क्लियर. इसके आगे अब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन स्टार्ट डेफिनेटली हम कर सकते हैं. सो कल से अकाउंटिंग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे. सॉल्व करना रहेगा, रेडी रहना. और ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इस पे भी आपका टेस्ट होगा, सेपरेट टेस्ट होगा. जल्दी ही एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, एप्लीकेशन, केकेसी एप्लीकेशन में सब कुछ हो जाएगा. आपको ऑनलाइन टेस्ट सबमिट करना है. इमीडिएटली आपके आंसर चेक भी हो जाएंगे, आपको करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा, रिजल्ट भी पता चल जाएगा. ठीक है. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड टू केकेसी एंड डोंट मिस एनी लेक्चर. बाय बाय. कीप स्माइलिंग.